सचिन जी, अभी मैं चाहूंगी कि आप हमें जो ये होम इंश्योरेंस है इसके मुख्य क्राइटेरिया के बारे में कुछ बताएं, और इससे संबंधित क्या कुछ डूज या डोंट्स भी हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है, अगर उसकी जानकारी भी आप हमें दे तो। जी हाँ, जरूर। इसके क्राइटेरिया ऐसे है कि पहले हमको डिसाइड करना है कि कौन सी पॉलिसी इसके अंदर लेनी है, ठीक है। सो जैसे हम लोग बोले, मैंने जैसे बताया कि आपको बेसिक सिर्फ फायर इंश्योरेंस लेना है या फिर आपको पैकेज पॉलिसी लेना है। सो अगर पैकेज पॉलिसी लेना है तो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास राइट है वो आपको देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे एक तो आपने फ्लैट का जो वैल्यूएशन किया है वो प्रॉपर वैल्यूएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर आप कोई इक्विपमेंट्स या टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, आपके वॉशिंग मशीन है, अगर वो उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो उस टाइम पे प्रपोजल फॉर्म पे उसका मेक मॉडल और सीरियल नंबर मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, अगर आगे जाके अगर कुछ लॉस आ जाता है तो उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी शायद आपको क्लेम पे नहीं करेगी। इस वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो प्लीज राइट इन्फॉर्मेशन दीजिए। सचिन जी, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यदि कोई सीनियर सिटीजन ये होम इंश्योरेंस लेना चाहता है, इसको अपनाना चाहता है, तो उससे पहले उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? मतलब क्या उन्हें किसी इंश्योरेंस एडवाइजर से संपर्क करना जरूरी है, उसकी सलाह लेना जरूरी है, या फिर वो अपनी समझ के अनुसार भी इंश्योरेंस ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं? इंश्योरेंस कोई भी हो, सो इंश्योरेंस आपको लेना है तो उसकी जानकारी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो हेल्थ का इंश्योरेंस हो या फिर होम इंश्योरेंस हो। रीजन हमने सुना होगा कि काफी लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि मैंने इंश्योरेंस लिया बट इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम पे नहीं कर रही, या मुझे उसका जो नुकसान हो गया उसका पैसा मुझे नहीं दे रहे। सी रीजन ये होता है कि जब हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं उस वक्त हम लोग प्रॉपर इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को नहीं देते। तो आप हो सके उतना आप खुद प्रपोजल फॉर्म फिल करिए और उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल स्टेज पे ही इंश्योरेंस कंपनी की दीजिए। अगर बात करें कि इसको किस तरह से लेना चाहिए तो मैं वही बोलूंगा कि एक्सपर्ट के थ्रू ही लेना चाहिए। अगर कोई आम एजेंट है जिसको इस पॉलिसी के बारे में पता नहीं तो प्लीज उसके पास से वो पॉलिसी मत खरीदेगा, बिकॉज कोई भी इंश्योरेंस लो तो उसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी इंपॉर्टेंट है। तो जिसके पास जानकारी है, जो प्रॉपर इसमें काम कर चुका है, जिन्होंने इसमें क्लेम पे किए, तो उसके पास से जरूर आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। जी, मतलब कई बार ऐसा होता है कुछ हिडन फैक्ट्स होते हैं जो एजेंट्स नहीं बता पाते हैं, right. और उसकी वजह से आगे दिक्कत हो सकती है। सिर्फ सीनियर टेली पर, अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध